हेलो गाइस, ये देख सकते हो मेरे पास ग्लैमर बाइक है। और इस बाइक में जो अभी हम चेंज कर रहे हैं, इसका जो क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हम चेंज कर रहे हैं। इसका जो क्लच होता है वो क्लच हमने खोल रखा है। और इसका जो क्लच प्लेट का जो कंडीशन है गाइस, बहुत ही बुरा कंडीशन था इसका। देखिए हम दिखाते हैं इसका, ये देखिए इसका जो क्लच प्लेट होता है वो पूरा ख़त्म है। क्लच प्लेट देखिए, पूरा क्लच प्लेट भी ख़त्म है। और इसका जो क्लच हब सेंटर होता है, ये देखिए सेंटर हब भी इसका कटा हुआ है पूरे में, मतलब बना हुआ है। और इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर भी कटा हुआ है। देखिए सेंटर जो है, क्लच हब सेंटर दोनों कटा हुआ है, क्लच प्लेट भी इसका ख़त्म है। तो जो इंजन होता है, इंजन को हमने वॉश कर दिया डीजल से, देखिए पूरा वॉश हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, हीरो का जो ओरिजिनल क्लच हब सेंटर होता है, ये देखिए हमने हीरो का ओरिजिनल इसमें लगा रहे हैं अभी। तो इसका क्लच हब सेंटर ओरिजिनल ही डालेंगे, क्योंकि ओरिजिनल चलता है। अगर लोकल हम डालेंगे तो फिर ख़राब हो जाता है जल्दी। तो अभी इसमें जो क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हम अभी लगाएंगे इसमें। तो चलिए इसका अभी क्लच प्लेट लगाते हैं। इसका जो क्लच हाउसिंग होता है, क्लच हाउसिंग लगाएंगे और इसमें क्लच प्लेट हम लगाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट अभी लगाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो इसका क्लच हाउसिंग होता है वो क्लच हाउसिंग इसमें हम लगाएंगे। तो पहले इसका क्लच हाउसिंग लगाएंगे, उसके बाद इसका जो क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हम लगाएंगे इसमें। क्योंकि देखिए इसका जो क्लच हाउसिंग होता है वो लग गया है। इसके अंदर भी एक वार्सल होता था, वो वार्सल हम लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से वार्सल आता है, तो इसमें हम लगा देंगे इसको। इस तरीके से वार्सल लग जाएगा। अब इसका जो क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हम लगाएंगे इसमें, सब चलेगा। तो गाइस, इसका जो क्लच प्लेट लगाना है, सबसे पहले हमें क्लच प्लेट लगाना है इसमें। और उसके बाद जो इसका प्रेशर प्लेट होता है वो प्रेशर प्लेट हम लगाएंगे। फिर इसके बाद इसका क्लच प्लेट लगाएंगे, फिर उसके बाद इसका प्रेशर प्लेट लगाएंगे। कुछ इस तरीके से जो इसका क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट लगेगा। तो इसको भी हम लगाएंगे, उसके बाद क्लच हाउसिंग में इसको फिट करेंगे हम। देखिए कुछ इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद जो इसका क्लच सेंटर होता है वो सेंटर हम लगा देंगे। ये देखिए गाइस, इसका जो क्लच सेंटर होता है वो बैठ गया है। अब इसको क्लच हाउसिंग में हम लगाएंगे। तो गाइस, इसका जो क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हमने लगा दिया है। बहुत आसानी से जो इसका सेटिंग होता है वो सेटिंग हो जाता है इसमें। तो इसके बाद इसका जो बोल्ट होता है, बोल्ट में भी एक वार्सल होता है। पहले वार्सल लगाएंगे इसमें, उसके बाद इसका जो बोल्ट होता है वो बोल्ट टाइट करेंगे। तो इसमें हम वार्सल लगाएंगे अभी। कुछ इस तरीके से इसका वार्सल होता है, उसके बाद इसमें हम बोल्ट लगा देंगे इसका। तो गाइस, इसका जो बोल्ट होता है वो बोल्ट हमने टाइट कर दिया। इस बोल्ट को या तो आप रिंच से टाइट कर सकते हो, या इसमें अगर हो तो छेनी हथौड़ी हो तो आप छेनी हथौड़ी से भी टाइट कर सकते हो। दोनों से ये टाइट हो जाता है। अगर आप अगर बोल्ट से, मतलब रिंच से अगर टाइट कर दें तो इसमें छः टांग का पुलर लगेगा। तो पुलर लगा के आप इसको टाइट कर सकते हो, वरना छेनी हथौड़ी से ये टाइट हो जाएगा। तो टाइट करने के बाद जो इसका स्प्रिंग होता है, क्लच स्प्रिंग, वो स्प्रिंग हम इसमें लगा देंगे। तो गाइस, स्प्रिंग लगाने के बाद जो इसका कवर होता है वो कवर हम लगाएंगे। लगाने के बाद जो इसका स्प्रिंग होता है वो हम इसको बराबर बराबर से टाइट करेंगे। अगर बराबर से टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो क्लच ठेसी होता है वो टूट जाएगा इसका। इसके लिए जो इसका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम बराबर से बैठा देंगे। बैठाने के बाद जो बोल्ट होता है वो बोल्ट को हम बराबर बराबर टाइट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो, मतलब इसका जो ठेसी होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और टूटेगा नहीं। तो इसको हम बराबर बराबर अभी टाइट करेंगे। उसके बाद बैलेंसर होता है वो बैलेंसर लगाएंगे। इसका जो क्लच कवर होता है वो क्लच कवर लगा के फिर बाइक को हम स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट अभी लगाते हैं। Thank you.
गाइस फाइनली जो इसका क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हमने लगा दिया, इसका बैलेंसर होता है वो बैलेंसर भी टाइट कर दिया। अब इसका क्लच पैकिंग लगाते हैं, क्लच पैकिंग लगाने के बाद क्लच कवर लगाएंगे, उसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। चलिए अभी फटाफट इसको हम लगाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करके देखेंगे इसको। तो वो क्लच प्लेट हमने लगा दिया, इसका क्लच कवर भी लगा दिया। अब इसमें हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं। देखिए ये जो इंजन ऑयल हम स्कॉट्स का इंजन ऑयल डाले हैं। इंजन ऑयल डालने के बाद बाइक को हम ट्राई लेंगे और उसके बाद फिर बाइक का हम सर्विस करेंगे। चलिए अब इसका इंजन ऑयल डालते हैं, उसके बाद हम ट्राई लेके देखेंगे।